तो आ जाए मेरे साथ और आपको खिलाते हैं हम सऊदी फूड सऊदी स्टाइल में, ठीक है? आइए आइए, आपको थोड़े नजद विलेज के अंदर से मैं थोड़ी सी सैर भी कराती हूँ कि ये अंदर से इन्होंने कैसा बनाया हुआ है। तो आइए मेरे साथ। वेलकम टू केई व्लॉग्स। कैसे हो सब लोग? ठीक हो? आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। आप लोग कह रहे होंगे जी आज बड़े दिन शिट में निकले हुए हैं, रोशनी रोशनी हो रही है पीछे। जी बिल्कुल ऐसे ही है, हम लोग उठ गए थे जरा अर्ली मॉर्निंग और उसके बाद थोड़ा सा टाइम घर में ऐसे स्पेंड किया, ऐसे कुछ खाया पिया हल्का फुल्का। फिर हमारा इरादा था कि हम लंच कुछ मज़ेदार किस्म का कोई नई जगह से करें। पहले तो हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है लेकिन आपको तो पहली दफ़ा दिखाएंगे ना कि हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं। तो चलिए जी आपको भी साथ लेके चलते हैं और वो नई जगह का एक्सपीरियंस करवाते हैं और क्या खा रहे हैं वहाँ पे वो भी दिखाते हैं आपको। सबसे पहले आपको मैं मिलवा देती हूँ मेरे हबी से, वो इस वक्त ड्राइविंग कर रहे हैं, आपको उनसे मिलवा। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू केई व्लॉग्स और आपको केई व्लॉग्स में वेलकम करते हैं और वेलकम करने के बाद आपको बताते हैं कि आज हम कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। आज बड़े ही स्पेशल कुजीन के लिए हम निकले हैं लंच में और वो आपको दिखाएंगे और आपके साथ शेयर भी करेंगे। जी तो आज हम आपको लेके चल रहे हैं नजद विलेज। नजद विलेज में क्या होगा, एक सऊदी स्टाइल में सऊदी स्टाइल का खाना खाएंगे जो कि सऊदी का फेमस खाना है और वो भी सऊदी स्टाइल में। आ जाएं आप मेरे साथ, आपको दिखाते हैं। तो आ जाए मेरे साथ और आपको खिलाते हैं हम सऊदी फूड सऊदी स्टाइल में, ठीक है? आइए जी। तो हम नजद विलेज में एंटर हो गए हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने अपनी पुरानी चीज़ें जो है सारी डेकोर की हुई हैं, वही पुराना स्टाइल सारा, दरवाज़ों की पेंटिंग। ये देखें लिफ्ट के दरवाजे को भी कैसा पेंट करके इन्होंने बनाया हुआ है। ये हम लिफ्ट में अंदर एंटर हो रहे हैं, लिफ्ट में कारपेट तक इन्होंने बिछाया हुआ, इतना ऐसे रॉयल लुक और रॉयल आपको एंट्री देते हैं, बड़ा वेलकम देते हैं जब लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है। एक ज़बरदस्त सा इनका वही विलेज का सारा आता है। ये इनके शोगे बने हुए छोटे छोटे से, आप बाहर बैठो अंदर बैठो, फैमिली शोगे आप बैठो, ऐसी डेकोरेशन है, सारा कुछ पुराने स्टाइल का इन्होंने बनाया। तो हमने भी डिसाइड किया कि हम बैठेंगे और अपना लंच करेंगे। हम लोग नजद विलेज में आकर बैठ गए हैं। मेरे हबी इस वक्त ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, अभी सारा ऑर्डर मेन्यू सेलेक्ट कर रहे हैं कि हमें क्या क्या मेन्यू में ऑर्डर करना चाहिए। और मैं आपको ये ज़रा बता दूं कि जिस जगह पर हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे लाइट्स वगैरह नहीं है लेकिन लालटेन्स लगी हुई हैं, ठीक है? एक कैंडल लाइट का इफेक्ट भी आ रहा है और लालटेन्स से एक अच्छा सा एम्बियंस भी क्रिएट हो रहा है, बड़ी अच्छी लाइटिंग भी लग रही है। मैं आपको ज़रा दिखाती हूँ, ज़रा इसको भी अब देखें। देखें लालटेन्स ऊपर लगी हुई हैं, कोई लाइट नहीं है, कुछ नहीं है लेकिन खूबसूरत सा एम्बियंस आपको एक क्रिएट हो रहा है, बैठने का मज़ा आ रहा है, लाइट लाइट सी लाइट बहुत प्यारा। ये मेरे अभी यहाँ पर अभी मेन्यू सेलेक्ट कर रहे हैं कि हमें क्या ऑर्डर करना चाहिए। सुनिए किसी सिलेक्शन पर पहुँचे आप अभी? नहीं जी अभी ओपन हो गया और मैं क्योंकि भूत कह रही हूँ, भूख बहुत ज्यादा लग रही है। तो आप भूत जो है ना, बस... भूख का जो भूत है वो बहुत लग रहा तो बस आप जल्दी जो है वो ऑर्डर प्लेस करिए, ठीक है? और आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे सारी ऊपर लालटेन्स लगी हुई है और बड़ा ही जबरदस्त सा एक इफेक्ट है यहाँ पर और मजा आ रहा है। बस आइए आपको थोड़े नजद विलेज के अंदर से मैं थोड़ी सी सैर भी कराती हूँ कि ये अंदर से इन्होंने कैसा बनाया हुआ है। तो आइए मेरे साथ। जी तो सोचा कि आप लोगों को सैर कराऊं अंदर से, कितना खूबसूरत इन्होंने बनाया हुआ है, बिल्कुल ओल्ड स्टाइल में विलेज स्टाइल में बना हुआ है। ऐसे ग्राउंड सेटिंग भी है, ये सारा मैं आपको दिखाती हुई जा रही हूँ। पूरी ऐसे एक बारह दरी टाइप नहीं होती, जैसे दरवाजे अंदर अंदर आप घूमते जाओ। ये सारा देखो बैम्बूस के साथ साइड डेकोरेशन की हुई है, बहुत ही प्यारा। और ये जो है पुराना ज़माने का जो पानी का कुआं होता था वो उन्होंने बनाया, जो कि पहले हर घर के पास हुआ करता था, तो इन्होंने उसी पुराने लुक को दिखाने के लिए बनाया। ये जी फीमेल्स का वॉशरूम भी दिखाऊँ, बड़ा खूबसूरत इन्होंने वो भी पुराने स्टाइल की चीज़ें लगा कर बनाया हुआ है, शीशों पर भी डेकोरेशन और इस तरह वो जो टैब्स हैं वो भी बड़े स्टाइलिश से लगे हुए हैं, बड़ा प्यारा। ये देखो ये भी बाहर की सारी सिटिंग है, ऐसे बैठने के लिए बनाई हुई है। और जी सिंगर की मशीन द वेरी फेमस, और ये कावे की जगह यहाँ पर कावा बन रहा है, आप यहाँ पर बैठ कर सुकून से कावा पी सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे सारी उन्होंने उसी के अकॉर्डिंग डेकोरेशंस भी की हुई हैं और बड़ा ही खूबसूरत है। तो जी खाना हमारा लग गया था तो मैं जा रही हूँ अपने शुगर की तरफ। एक्साइटेड टू ईट? टू मच एक्साइटेड। बिल्कुल माशाल्लाह आप इतने प्यारे लग रहे हैं यहाँ से बैठ के। अच्छा खाना खाएं क्या? आपको देखिए क्या करें, आप खाना खाएं, ठीक है? इस टाइम खाने पे फोकस करें। ओके फाइन, और दूसरी कोई बात ना करें। चलिए ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ अपना सूप। हाँ जी पहले ये दिखाइए, ओए होए 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 होए, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह,
मजे का लग रहा है। सुने देखिए आपको कैसा फील हो रहा है? मुझे तो बहुत मजे का लग रहा है, बिल्कुल मेरा मूड नहीं है कि मैं वेट कर ना ओपन करती हूँ। वाह जी वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा भी बहुत ही यमी है, बहुत ही मज़ेदार। ओ वाह माशाल्लाह, इसको हम खाएंगे जी। तो खाना हम लोग का आ गया, अब हम लोग खाना एंजॉय करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं खाने के बाद, क्योंकि अब वेट नहीं हो रहा खाना देख कर, तो हम मिलते हैं खाने के बाद। ये हमारा कावा रेडी होने लगा है, जो कि है जिंजर सैफ्रन और लेमन वाला कावा, और वो अभी हम पियेंगे और बड़ा मज़ा आएगा। को मिल गया है उनका कावा जी। सुने क्या टेस्ट है, कुछ किया अभी नहीं किया, टेस्ट कर लिया? अमेजिंग टेस्ट है, बहुत मस्त है। जो कुछ खाया पिया ना वो सब फ्रेश हो जाएगा, फ्रेश ऐसा फ्रेश जैसे कोलगेट फ्रेश। या चलो ओए होए 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 होए, बहुत खा लिया ये कावा आपने, अभी फुल इसको एंजॉय करना है ना, वो ऐसा ऐसा करेंगे ना ताकि सुकून रहे जिंदगी। चलिए जी अब हम चलते हैं वहीं। आ जाओ गाड़ी रेडी है। हाँ आपको इस गाड़ी में लेके जाते हैं? नहीं नहीं अपनी में ही चलते हैं, इसमें ही चलते हैं। इसमें क्या चलेगी हम? ये चलेगी, बिल्कुल चलेगी। चलिए के आगे आपको खड़ा करेंगे। अच्छा, और इस तोप के आगे जब आपको खड़ा करेंगे तो आपको 21 तोपों की सलामी देंगे। चलिए ठीक है, और हर गोले के आगे आपको ही खड़ा करेंगे। ठीक है, चलिए अभी हम घर चलते हैं। सोच कैसा लगा आपको नजद विलेज का टूर हमारे साथ? हमने आपको सऊदी स्टाइल में सऊदी फूड का भी बताया, और कैसे वो लोग सर्व करते हैं वो भी बताया, और उनका जो एक सारा सेटअप था वो भी दिखाया। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा एक ये टूर जो हमने आपको दिया, और इनका खाना बहुत अच्छा है। अगर आप लोग सऊदी विजिट करें और रियाद आए तो ज़रूर 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 जो है, यानी कि हम लोग इसको रिकमेंड करेंगे कि नजद विलेज को ज़रूर विजिट करें, और एक दफ़ा इनका खाना ट्राई करके देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो जी अभी हमने खाना वाना बहुत अच्छा खा लिया, तो हम लोग जा रहे हैं घर ताकि थोड़ा सा हम लोग नैप ले सके, क्योंकि इतना अच्छा खाना खाने के बाद एक नैप की ज़रूरत तो बनती है। क्यों सुने आप बताएं? नैप की ज़रूरत बनती है आपने कहा, इसका मतलब है ईट स्लीप, ईट स्लीप एंड रिपीट, ईट स्लीप एंड रिपीट, यही करते रहेंगे हम, यही करते रहेंगे हम के साथ। हमें इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह ताला न्यू ब्लॉग में मिलेंगे न्यू बातों के साथ, नया कुछ करते हुए, नया कहीं कुछ जाते हुए, और कुछ नया एक्सप्लोर करके आपको बताते हुए कि रियाद में आखिर है क्या क्या कुछ हमारे रियाद में। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।